अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश ए क्लास 5, एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2, फोनिक्स स्टडी। डबल ओ साउंड इन वर्ड्स। बेसिकली डबल ओ साउंड्स गिव अस टू साउंड्स। डबल ओ समटाइम्स गिव अस लॉन्ग साउंड एंड समटाइम्स इट गिव्स अस शॉर्ट साउंड। जैसे कि नून, सून, कूल, ठीक है, इसमें हमें ये लॉन्ग साउंड दे रहे हैं, नून, सून, कूल। इसी तरह लुक, बुक, शुक, इसमें जो डबल ओ है ये हमें शॉर्ट साउंड दे रहे हैं, नून, सून, कूल, लॉन्ग साउंड, लुक, बुक, शुक, शॉर्ट साउंड। ओके, there are some examples, noon and look. The letters double o stand for one sound in noon. Noon में ये हमें दे रहा है long sound. They stand for a different sound in look. और look में ये different sound दे रहा है, यानी कि short sound दे रहा है. In the sentences below, look at the letters in bold type. If they stand for the sound you hear in noon, write N. If they sound like look, write L. यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए गए हैं और वो हमसे ये कहा जा रहा है कि हम उस पर ये जो बोल्ड टाइप वर्ड्स हैं हम ये देखें और हम ये गेस करें कि अगर ये हमें लॉन्ग साउंड दे रहा है जैसे कि नून में तो हम यहाँ पे एल लिखेंगे, अगर ये हमें शॉर्ट साउंड दे रहा है जैसे कि लुक में तो हम यहाँ पे एल लिखेंगे। फ्लावर्स ब्लूम इन माय गार्डन, ब्लूम, नून, ब्लूम, तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे, ठीक है, ये हमें लॉन्ग साउंड दे रहा है जैसे कि नून में। नंबर टू, ही लाइक्स टू ईट हॉट फूड, नून, फूड, तो ये भी यहां पे हम एल लिख देंगे क्योंकि फूड का साउंड भी नून जैसा लॉन्ग है। नंबर थ्री, द वुड कटर फाउंड द ब्रास पॉट बिहाइंड अ स्टंप। ओके, यहां पे वुड, लुक, वुड, लुक, वुड, शॉर्ट साउंड, ठीक है, जैसे लुक में डबल ओ शॉर्ट साउंड दे रहा है इस तरह वुड में दे रहा है तो हम यहां पे एल लिख देंगे। It was cool in the forest. Cool, cool, noon, cool, look, no, cool, noon. जैसे कि noon में वो double o sound long दे रहा है, इसी तरह cool में दे रहा है, तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। The man took the pot home. Took, look, took, look, took. तो ये भी double o sound जो है ये look की तरह short है, तो यहाँ पे हम l लिख देंगे, यानी कि look. Okay. The next topic is language and arts, imperative and exclamatory sentences. In our last lecture, we read about two kinds of sentences, imperative and declarative and interrogative. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं imperative and exclamatory sentences. An imperative sentence expresses a command or a request. Imperative sentences में basically क्या होता है? या तो हम कमांड देते हैं या हम रिक्वेस्ट देते हैं। इट टेल्स और एस्क समवन टू डू समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। और इट टेल्स और एस्क समवन टू डू समथिंग, तो ये हम किसी को कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए जब हम कहते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि अगर आप नोट करें तो आपकी जो टीचर हैं क्लासरूम में वो ज्यादातर इन सेंटेंसेस का यूज करती हैं, जैसे कि ओपन योर बुक, वो आपसे कहती हैं अपनी बुक ओपन करें, सिट डाउन, स्टार्ट राइटिंग, कम इनसाइड, तो ये सारे क्या हैं? आपकी जो मैम है, आपकी जो टीचर है क्लासरूम में आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, आपको जब कुछ करने के लिए कहती हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ओपन योर बुक, सिट डाउन, स्टार्ट राइटिंग, कम इनसाइड, गो आउटसाइड, स्टैंड अप, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट रीडिंग, क्लोज योर बैग्स, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप बस ये माइंड में रखें, जो इंस्ट्रक्शंस आपकी मैम आपको क्लासरूम में देती है ना, दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं वो कमांड भी हो सकते हैं, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है। कमांड, कॉल योर फ्रेंड, और रिक्वेस्ट क्या हो सकता है? प्लीज डू नॉट शाउट। जब हम थोड़ा सा हम्बली या प्लीज के साथ कुछ कहते हैं तो वो हमारी रिक्वेस्ट हो जाती है। प्लीज डू नॉट शाउट, प्लीज कम इनसाइड, प्लीज गिव मी योर पेंसिल,
प्लीज टेक दिस ग्लास, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं. तो ये क्या होता है, बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं, और ये हम जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो मैंने आपको आपकी टीचर की मिसाल दी उसको याद रखिएगा. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. अच्छा जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके इमोशंस को शो करते हैं, एक्साइटमेंट को शो करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं. और इसकी अगर हम कह दें कि इसकी पहचान क्या है, इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होते हैं, ठीक है. इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, ठीक है. और ये सेंटेंस कैसा होता है, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर. यानी इसमें हम अपनी एक्साइटमेंट को शो करते हैं, अपनी सैडनेस को शो कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को शो कर सकते हैं, अपने सौरों को शो कर सकते हैं, यानी खुशी, गम, एक्साइटमेंट, सारा कुछ जो है जब हम उसका इजहार एक सेंटेंस में करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट अ प्रीटी फ्लावर. तो इसमें आपकी एक्साइटमेंट शो हो रही है कि कितना खूबसूरत फूल है, इसके एंड पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया. ओके जी, राइट आई एम पी इफ द सेंटेंस इज इंपेरेटिव, राइट ई इफ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी. तो ये कुछ सेंटेंसेस, हमें फाइव सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से हमने गेस करना है कि इसमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है. जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके एंड पे हम आई एम पी लगा देंगे, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके आगे हम ई लगा देंगे. नंबर वन, व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज. तो ये देखिए, इसमें इमोशन शो हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, ताज्जुब का इजहार हो रहा है. व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज. तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके आगे हम ई लगा देंगे. ही लुक्ड सरप्राइज्ड. तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसके आगे हम ई लगा देंगे. लुक इन टू कैटल, लुक इन टू द कैटल. अब इसमें कमांड दी गई है, कोई काम करने के लिए कहा गया है कि कैटल में देखो, तो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. और आप देख सकते हैं इसके एंड पे फुल स्टॉप है. पुट द मील इन टू द कैटल. अब इसमें भी काम करने को कहा जा रहा है कि मील जो है वो कैटल में रख दो. पुट द मील इन टू द कैटल, इसके एंड पे भी फुल स्टॉप है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है. द ब्रास कैटल हैड अनयूजुअल पावर्स. द ब्रास कैटल हैड अनयूजुअल पावर्स. तो इसके एंड पे क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन. तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसके एंड पे हम ई लगा देंगे. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह.